हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन एकेडमी। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल स्टडी। जी हां दोस्तों, पॉलिटी मेजर सेक्शन है और हमारे साथ हैं हमारे नॉन फैकल्टी सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड पॉलिटी मास्टर सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राम सर। बताएंगे सर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगा, सिंपल शॉर्ट सर? जैसे आपने बोला कि पॉलिटी हमेशा एक मेजर फ्रैक्शन रहता है, ये और ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एटलीस्ट 16-20 क्वेश्चंस ऑन अ रैंडम बेसिस आई रहा है। एंड आई ऑलवेज से कि पॉलिटी ब्रेड एंड बटर होता टू द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, बिकॉज बाद में भी इनके काम ही आने वाला है। एंड दैट इज वाई UPSC ऑब्वियसली फॉर द कॉमन रीजन्स विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पॉलिटी। लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटी बिकम्स अ वेरी वास्ट एंड डायनामिक सब्जेक्ट ऑल्सो। सो मैं सबसे पहले सर ये बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली हमारे स्कूलिंग सिस्टम में थोड़ा सा इशू था। हमें पॉलिटी पढ़ाया जरूर गया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सिविक्स, राइट, लेकिन NCERT को उस तरह से नहीं पढ़ाया गया जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, एटलीस्ट विद रेलेवेंस टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले चाहे जो मर्जी लेवल का स्टूडेंट हो, मैं फिर ये बात बोलूँ, चाहे जो मर्जी लेवल का, चाहे वो अपने आप को टॉपर कंसिडर करता हो चाहे बिगिनर कंसिडर करता हो, प्लीज़ इंश्योर कि आप NCERT क्लास 6-12 पढ़ लीजिए। ऑब्वियसली 6th और 7th के NCERT सर एक बड़ी बेसिक लेवल NCERT होगी, ओके, उसमें बहुत छोटी छोटी कहानियाँ होंगी, बचपने वाली कहानियाँ होंगी, एंड उसको भी आप पढ़ लीजिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजिंग या फिर आप उसको कभी आंसर राइटिंग में यूटिलाइज करोगे, बट जस्ट टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ दिस एंटायर स्टडी, जस्ट टू एंजॉय इट। और क्योंकि आप 6th और 7th के NCERT पढ़ रहे हो, आपको दो दो तीन तीन दिन लगने वाले, दैट इज नॉट अ बिग टास्क। एटलीस्ट जो हमारा माइंड होता है वो एक थॉट प्रोसेस में आता है कि मैंने कंप्लीट कर दिया। 6th to 12th NCERT, especially 11th and 12th के NCERT is amazing. एक एक पैराग्राफ में देर आर थॉट लाइन्स जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ पॉलिटी टू अनदर पोर्शन। दिस इज सिनेक्वा नॉन, यू जस्ट कैनॉट मिस दिस, यू हैव टू डू दिस, आपको NCERT करनी ही करनी। द सेकेंड पार्ट विच आई एम एक्चुअली सेइंग इज काउंटर इंट्यूटिव इन द सेंस, मैं नहीं चाहता कि आप टेक्स्ट बुक पे जाओ इन दिस स्टेज। मैं चाहता हूं अगर आप NCERTs पढ़ रहे हो तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा टू द न्यूज़पेपर्स। नाउ स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड सी इफ समथिंग मेक्स सेंस फ्रॉम सम न्यूज आइटम टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन NCERT। दिस हैज टू बी वेरी वेरी शार्पली डन, बिकॉज देखा जाए तो एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द न्यूज़पेपर हैज टू डू डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद पॉलिटी, गवर्नेंस और द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन, आइदर वेज ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच आई टीच। तो ये बिकम्स इम्पॉसिबल और ये टास्क कभी कंप्लीट होगा ही नहीं अंटिल अनलेस आपके पास वो स्कैनिंग आए हो कि ये मेरा सिलेबस का पार्ट है। मैं एक बात हर एक को बोलता हूँ, पढ़ने से पहले UPSC की इस एफर्ट को अप्रिशिएट करो कि वो एक न्यूज़पेपर के पूरे पेपर पर अपना नोटिफिकेशन में सिलेबस देता है, तो उस सिलेबस का आपको बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यू शुड नॉट ओवरस्टेप द सिलेबस, but you should under any circumstances not understep the syllabus. That if you miss out, then prelims bhi gaya, mains bhi gaya, and interview bhi gaya, nothing, the story is all over. Third and very important, and is stage pe main bada important bolta hu, ye civil services examination ki preparation ek guru based exam hai, it is a teacher, it's a faculty based exam, you have to believe it. Jise aap self study bolte ho, aap kar sakte ho, लेकिन सेल्फ स्टडी तब करना होता है जब आपका टीचर ऑलरेडी पढ़ा चुका होता है। अगर आप रॉ में स्टार्ट कर रहे हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको 5 साल तो ये समझने में लग जाएगा कि रेलेवेंट क्या है और इररेलेवेंट क्या है, छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, और ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम आपके पास है नहीं। वाई? बिकॉज यू आर ऑल आइदर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स। 1, 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट थोड़ा आप जिंदगी भर यही थोड़ा करोगे, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम कि आप 2 साल में अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास एक शार्प फैकल्टी हो जो आपको एक ब्रॉड 4 वॉल्स बता दे, एंड देन ऑब्वियसली आप जैसा रिविजन होता है हर सब्जेक्ट का, वो तो आपने खुद नहीं करना है, लेकिन फैकल्टी के बिना, टीचर के बिना, एजुकेटर के बिना टू स्टडी दिस, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। डोमेन सेट कर देती है, बिल्कुल डोमेन सेट हो जाता है, दैट्स इट। 4 वॉल्स में आपको पता है कि इसके बाहर जाएंगे तो हम एक अलग ही टेरिटरी में जा रहे हैं, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग सर। सर तो मैं क्या बताना जानना चाहते हैं बच्चे कि हमेशा पॉलिटी में करंट अफेयर्स का पार्ट भी रहता है सर, लाइक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस रहते हैं, सो उसको कवरेज कैसे करें हम लोग? सर जैसे मैंने अभी बोला तो आई जस्ट कैच फ्रॉम
continue from my previous answer. For example, let's take Supreme Court judgment. It is impossible now कि Supreme Court judgment से related आपको question नहीं आएगा. It is impossible and I can bold letters this. मैं आपको 5 ऐसे question पिछले साल के off the cuff बता सकता हूँ जो directly indirectly Supreme Court judgments में आया. पिछली बार right to privacy का question आया, वो Supreme Court judgment है. That is a very famous Aadhaar judgment, Justice K.S. Puttaswamy. उससे पहले आया राइट टू मैरी, राइट टू यू नो फेथ, वो हादिया जजमेंट है. अब वो पूछते नहीं है सर कि हादिया जजमेंट बताओ, बिकॉज ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी के एग्जाम है, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ लिया आपको. इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. धीरे धीरे यूपीएससी एक लॉ बेस्ड एग्जाम होती जा रही, मैंने नोटिस किया. पिछली बार क्वेश्चन आया परोल पे, फरलो पे, जुडिशियल कस्टडी पे, लॉ फर्म्स पे, एडवोकेट्स पे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सर. And I'm very happy कि UPSC has at the end of the day become a practical exam. Because कल ये IAS officers बन रहे, IPS officer बन रहे. कैसा लगेगा एक IPS officer को, यही नहीं पता कि bail क्या होती है. You know, in a way UPSC is asking very very important question. और आज आप news channel खोल के देखो, हर time कोई ना कोई arrest की, bail की, parole की बातें हो रही है, and so on so forth. As an aspirant you have to know it. लेकिन दिस बिकम्स dual रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेटर दैट ही सिंप्लीफाइज what ही इज लर्निंग इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ अ सिविल सर्विस aspirant टू अप्रिशिएट इट. वो बिकॉज वो लॉ स्टूडेंट नहीं है, वो जुडिशरी के एग्जाम नहीं दे रहा, तो सिंप्लीफाई करना मेरा काम है. सो दिस इज my जॉब एंड दैट इज why आई एम saying दैट इट इज फर्स्ट एंड foremost अ फैकल्टीज जॉब एंड एन एजुकेटर्स जॉब टू मेक द entire टीचिंग palatable. And then, of course, it becomes the dual responsibility of the student to ensure कि उसको revise करें. Revise करें. In short, sir, मतलब polity NCERT से हम कर सकते हैं. Then newspaper important thing है. Sir, एक book चलती है जो Bible of Polity कहते हैं. तो उसके बारे में आज सुन जानना चाहते हैं. Yes. The Bible of Polity जिसको बोला जाता है वो एक ही Bible है. Okay. So there is no other Bible by that way. So it is Lakshmikant that you have to study. Now again, Lakshmikant is a book. It is not the book. You know, that grammatical connotation has to be very, very carefully understood. It is a book. Aur sabse important hai, it is a very, 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 very data-rich book. Now, kya UPSC waise questions pooch rahi hai ya nahi is an entirely different issue. 2013-14 ke baad se UPSC examination completely change ho gayi towards become conceptual question. Instead of what, where, who, when, they have started asking how and why. Right. And many a things conceptually Lakshmikant mein completely nahi di hui hai. It, but does not take away the merit of the book. Aap pehle padh lo, NCERT kar lo, subject samajh lo, and then start studying from Lakshmikant at a full speed. It will fill up many of the content gaps. May not be the conceptual gaps. But the content gaps will be filled up. But agar aap isko reverse order mein karoge, कि आपने पहले तो जी 900 पेजेस की लक्ष्मीकांत रटने की कोशिश की, बाय द टाइम यू फिनिश ऑफ दिस पार्ट यू आर नोवेयर, बिकॉज आपने सिर्फ एक गूगल बन गया अपने दिमाग में जिसको आप कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे. सो डू इट इन अ सीक्वेंस, एनसीईआरटी फॉर ग्राउंड बेसिक्स, करंट अफेयर्स एंड द प्रेवलेंट जो इस टाइम पर ट्रेंड आ रहा है फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, लेट योर फैकल्टी टेक कंट्रोल ऑफ योर एंटायर एजुकेशन. आई यूज दिस वर्ड स्लाइटली अग्रेसिवली, लेट योर एजुकेटर take the control of your preparation. That's very, very important because he knows the best. He has seen the entire course. It's like me taking you to USA. Okay, if I have traveled to America and I am taking, and you are the first one and you're going to the US for the first time, I think I am a very good person to tell you which place to visit and which place not to visit, which is a dangerous place and which is not a dangerous place, where to spend money and where not to spend money. This is my effort and that's my job. And finally, once all this is done, now you are in a better position to know what to choose from Lakshmikant and what not to choose from Lakshmikant. Sir, one more thing, sir. Like, an academy pe hum logon ne prepare kiya ek acha content, like polity booklet taiyar kiya. Yes. So what about usme ke bare mein kya, sir? Kya wo useful hai students ke liye? Sir, apna words ko without mincing any of these words. It is the unacademy notes of polity. Are amongst the most condensed source of knowledge that I've seen. It is so beautifully placed, sir. Itne achhi tarah se usme humne bullet points banaye, jahan par zarurat hai wahan pe tables banaye hue, jahan par zarurat hai wahan timelines banaye hue,
जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हाईलाइट किया हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कहीं बहुत सारी जगह पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ है। बिकॉज बोल देना, जैसे हम एक बड़ा कॉमन है कि अच्छे से पढ़ाई करो, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छे से पढ़ाई करो, देयर इज नो अच्छे से पढ़ाई करना अनटिल अनलेस यू नो अ स्ट्रक्चर। सो अनअकैडमी के नोट्स में ये एक बड़ा मेजर एडवांटेज होगा, वंस एवरीथिंग इज डन व्हेन द स्टूडेंट गोज एंड ओपन्स दैट पेजेस इट विल कम स्ट्रेट टू हिम, ओह रिफ्लेक्शन। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा पार्ट है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ऑल द एक्ट्स जो ब्रिटिश राज के समय आया था एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिए गए और उनके सामने एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि क्या हुआ था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इट इज फॉर इजी रिकैप एंड वेरी इजी पैलेटेबिलिटी। दैट्स गुड सर। सर व्हाट अबाउट सर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी में, क्योंकि लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी भी सफिशिएंट नहीं है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली। सो मेंस के लिए क्या करना है सर? मैं मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स बता रहा हूँ और जो सबके काम आएगा, एंड दैट इज द एडिटोरियल्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे न्यूज़पेपर जो एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर्स, आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, देयर कुड बी अदर्स ऑल्सो, बट ये दो न्यूज़पेपर्स को मैं हमेशा मानता हूँ बड़े रिस्पॉन्सिबल एडिटोरियल टीम से। इसका क्या फ़ायदा होता है सर? एक दिन एक एडिटोरियल एक ही चीज़ के बारे में काफ़ी प्रो बोलेगा, थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा कौन बोलेगा और थोड़े टाइम पर बैलेंस आएगा। वॉट इज मेन्स एग्जामिनेशन इन पॉलिटी इज आपको एक तरह से आर्ग्यूमेंट प्लेस करनी है कि मैं उसके फेवर में भी बोलूँ, इसके अगेंस्ट भी बोलूँ। फॉर क्लासिकल एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बहुत सारे लोग हमारे मन से डिवाइडेड होगा इन पॉलिटी, जो बोलेंगे प्रो होंगे कुछ कौन होंगे, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए ये बात बोलना और उसको लिखना ये सर बड़ा मुश्किल होता है अनटिल अनलेस आपको एक ऑथोरिटेटिव सोर्स मिल जाए। एग्जाम्पल द एडिटोरियल्स, रोज एडिटोरियल्स पढ़िए विदाउट फेल, आपको वो माइंड में आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटीज आ जाएगी कि मैं अपनी बात फोकस में करूंगा, क्योंकि ये येस और नो के तो होता नहीं, आपके 200 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में आपको अपना स्टैंड रखना है और वो भी बैलेंस करके रखना, बिकॉज आप एंटी सिस्टम भी नहीं हो सकते और कंप्लीटली फ्लैटरी में भी नहीं हो सकते, तो वो कैसे आएगा ना? दिस इज, ये बहुत सारी चीज़ें ऑस्मोसिस है, इम्बाइब करके आती है। जैसे एक एडवोकेट अच्छा एडवोकेट तब बन जाता है जब वो धीरे धीरे पहले 2 साल अपने सीनियर के साथ फॉलो करता है। एक डॉक्टर अच्छा अच्छा डॉक्टर होता है, वो पहले जूनियर डॉक्टर होता है, ही लर्न्स द आर्ट बाय ऑस्मोसिस एंड क्वाइट क्लोज ऑब्जर्वेशन। वैसे ही राइटिंग स्किल भी आपको एडिटोरियल से, अगर उससे अच्छा और ऑथेंटिक सोर्स हो नहीं सकता, बिकॉज दे आर रेडी टू टेक स्क्रूटिनी, उनको पूरी दुनिया देख रहे हैं, सो फैक्ट्स गलत होंगे नहीं और पॉइंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि मीडिया में है प्रेस में है, तो डाले होंगे, उनमें से कई बार सर आपको एग्जैक्ट फ्रेजेस मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आई थिंक इट इज एन ऑसम सोर्स एंड इट इज अवेलेबल टू यू एवरी डे एट योर डोरस्टेप। ऑफ कोर्स सर। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर स्टूडेंट को एनलाइट करने के लिए रिगार्डिंग स्ट्रेटजी ऑफ 2023-24। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।